कि अक्षय कुमार स्टारर राम सेतु फिल्म के 45 जूनियर आर्टिस्ट कोरोना संक्रमित है। मेकर्स ने बताई पूरी सच्चाई। हाल ही में अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी दी थी कि उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। उनके पोस्ट के बाद ऐसी खबरें आई कि फिल्म के 45 और जूनियर आर्टिस्ट कोरोना संक्रमित हो गए हैं। लेकिन अब मेकर्स ने इस तरह की खबरों का खंडन किया है। फिल्म के निर्माता अभिन दातिया एंटरटेनमेंट के विक्रम मल्होत्रा ने कहा कि ये बिल्कुल गलत और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स है। खबरों के मुताबिक फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉय के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे ने कहा था कि राम सेतु की शूटिंग पूरी सुरक्षा के साथ की जा रही थी। ये बेहद दुखद है कि फिर भी 45 जूनियर आर्टिस्ट कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। फिलहाल फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है। विक्रम मल्होत्रा ने बताया कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत सभी क्रू मेंबर्स का पहले और शूटिंग के दौरान भी बार बार कोविड टेस्ट किया जाता है। 5 अप्रैल को मुंबई के मड आयरन में शूटिंग होनी थी। उससे पहले 3 अप्रैल को वर्सोवा टेस्टिंग कैंप में करीब 190 लोगों का टेस्ट किया गया था। शूट के लिए इनमें से एक निश्चित संख्या में लोगों का चयन किया जाना था। इन 190 लोगों में से 25 लोगों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था, इसीलिए उन लोगों को हटा दिया गया जो अगले दिन शूटिंग का हिस्सा बनने योग्य नहीं थे। 5 अप्रैल को होने वाला शूट रद्द कर दिया गया। दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। गलत तरीके से जो स्टोरी कही गई वो कभी नहीं हुई। अक्षय कुमार के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वो तुरंत आइसोलेशन में चले गए। बाद में वो अस्पताल में भर्ती हुए। वही अक्षय की को स्टार्स नुसरत भारूचा और जैकलिन फर्नांडिस ने भी कोरोना टेस्ट कराया। रिपोर्टेडली उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। मेकर्स ने साफ कर दिया है कि राम सेतु के सेट पर 45 लोगों के संक्रमित होने की खबर गलत है। इस लेटेस्ट अपडेट पर आपके क्या रिएक्शंस हैं? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।